कभी बौद्ध मठ था बद्रीनाथ, स्वामी प्रसाद मौर्य गलत नहीं है। इस बद्रीनाथ मामले में उत्तराखंड से जय सिंह रावत, जो उत्तराखंड के राजपूत हैं, उत्तराखंड से लिखते हैं जय सिंह रावत जी, स्वामी प्रसाद मौर्य गलत नहीं, कभी बौद्ध मठ था बद्रीनाथ। जय सिंह रावत जी लिखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के दावे से करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्थाओं को ठेस लगनी स्वाभाविक ही है, लेकिन अगर उनके दावे का ऐतिहासिक दस्तावेज के नजरिए से सबूत देखें तो आधार पर देखा जाए तो मौर्य का दावा गलत नहीं है। सनातन और बौद्ध धर्म दोनों का मूल भारत ही है और दोनों ही भारत के प्राचीन धर्म हैं। बौद्ध धर्म भारत से ही श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व देशों तक गया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया। आगे लिखते हैं, विभिन्न धर्मों की प्राचीनता के विवाद में पड़े बिना अगर हम भारत के प्रचलित इतिहास के आईने से देखें तो वैदिक धर्म से पहले मौर्य काल में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिए, हम भारत के प्रचलित इतिहास के आईने से देखें तो वैदिक धर्म से पहले मौर्य काल में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। स्वयं सम्राट अशोक एक बौद्ध भिक्खु बन गए थे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के निकट कालसी में आज भी अशोक का शिलालेख मौजूद है, जो कि उत्तराखंड में बौद्ध धर्म की संपूर्ण उपस्थिति का जीता जागता प्रमाण है। मौर्य काल के बाद पुष्यमित्र का शासन आया तो बौद्ध धर्म के महापतन की शुरुआत हो गई। बौद्ध मठों को मंदिरों में बदला गया। यहाँ पर लिखते हैं रावत जी, बौद्ध मठों को मंदिरों में बदला गया, जिनमें विख्यात हिमालयी मठ बद्रीनाथ भी एक है। बौद्ध काल के बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने तो देश के चारों कोनों में चार सर्वोच्च धार्मिक पीठें स्थापित कर वैदिक धर्म का एक छत्र राज स्थापित कर दिया। हिंदू राजाओं द्वारा बहुत से बौद्ध मंदिरों का स्वरूप बदले जाने की घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। हिंदुओं के सर्वोच्च हिमालयी तीर्थ बद्रीनाथ, जैसे बैकुंठ धाम भी कहा जाता है, के बारे में भी इतिहासकारों ने कहा है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वयं इस बौद्ध मठ को भगवान विष्णु के मंदिर में बदला है। आगे लिखते हैं, ईटी एटकिंसन ने डॉक्टर टेलर, डॉक्टर बर्नेल, विल्सन और हाजसन द्वारा किए गए चीनी यात्री हेनसांग के यात्रा विवरण के आधार का हवाला देते हुए अपने विख्यात गजेटियर ऑफ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के ग्रंथ 2 के भाग 2 बुद्धिज्म इन कुमाऊ इन द 17th सेंचुरी के पृष्ठ 463 से लेकर 465 में बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्वरूप और शंकराचार्य द्वारा उसके परिवर्तन का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह भी माना गया है कि इन्हीं हिमालयी तीर्थों से बौद्ध धर्म तिब्बत गया है। हिमालयन गजेटियर के उपरोक्त भाग के पृष्ठ संख्या 463 में बौद्ध धर्म का विनाश में लिखा है कि कुमाऊ में 7वीं सदी तक काफी हद तक बौद्ध धर्म स्थापित हो चुका था, लेकिन 7वीं शताब्दी के मध्य में ह्वेनसांग की यात्रा की तारीख और शंकराचार्य का बोलबाला स्थापित होने के बाद इस क्षेत्र में शायद ही कोई बौद्ध मठ बचा हो। इसी पृष्ठ पर एटकिंसन लिखता है कि चूंकि शंकराचार्य द्वारा स्थापित धर्मस्थल और परंपराएं आज भी अस्तित्व में हैं,
इसलिए बौद्ध धर्म का तो बौद्ध धर्म या तो उनके युग से पहले नष्ट हो चुका होगा या उनके प्रभाव के कारण बौद्ध समाप्त हो चुके होंगे। एटकिंसन ने पृष्ठ 464 पर बौद्धों की तलाश करते हुए ब्रिखदेव की मृत्यु के बाद उसके भाई के रिजेंट रहते हुए शंकराचार्य के नेपाल पहुंचने का जिक्र किया है, जिसमें कहा गया है शंकराचार्य ने पहले शास्त्रार्थ से बौद्धों को हराया, फिर पशुपतिनाथ के मंदिर से उन्हें मार भगाकर दक्षिण के ब्राह्मणों द्वारा वहां वैदिक रीति रिवाज से पूजा व्यवस्था कराना शुरू कर दिया। भारत के चौथे सर्वेयर जनरल जॉन हॉजसन और विल्सन के अनुसंधान का हवाला देते हुए एटकिंसन ने पृष्ठ 466 पर लिखा है कि सर्वविदित ही है कि शंकराचार्य ने कुमाऊ में आकर बौद्धों और नास्तिकों को भगाकर सनातन धर्म की स्थापना की। आगे लिखते हैं, शंकराचार्य ने नेपाल की ही तरह कुमाऊं उस समय प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊं कश्मीरी का हिस्सा था में भी केदार में पशुपत और बद्रीनाथ में नारायण के बौद्ध मार्गी पुजारियों को हटाकर उनके स्थान पर दक्षिण यानी दक्षिण के पुजारी तैनात किए, जिनके वंशज अभी भी उन मंदिरों की व्यवस्था संभालते हैं। इस व्यवस्था पर श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास बनाए रखने के लिए शंकराचार्य ने अपने अनुयायियों के माध्यम से हर जगह प्रचारित किया कि इन पवित्र स्थानों की यात्रा करने से बहुत पुण्य मिलता है। इस व्यवस्था के साथ ही कुमाऊ में बौद्ध धर्म के वर्चस्व पर रोक लग गई। इस प्रकार शंकराचार्य के प्रयासों से 7वीं सदी के अंत और 8वीं सदी के प्रारंभ में बौद्ध धर्म का उन्मूलन हो सका। पृष्ठ संख्या 467 में एटकिंसन लिखता है कि कुमाऊ में कत्यूरी शासक वर्ग ने बौद्ध मठों के विध्वंस और बौद्धों के परिवारों की बर्बादी से होने वाले राजनीतिक का खूब लाभ और आनंद लिया। प्रामाणिक इतिहास तो प्रामाणिक इतिहास ही होता है, गपोल गंथी ज्यादा दिनों तक चलती नहीं है, लेकिन यह सत्य है। सत्य है कि भारत कभी बौद्ध में रहा है, भारत बौद्धों की भूमि रही है प्राचीन काल से। मेरे मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आप लोगों के लिए इसी प्रकार निरंतर कंटेंट लाते रहे, तो स्क्रीन पर स्कैनर लगा हुआ है, स्कैन करके हमें डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है। और मेरे मित्रों, जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और खुद के साथ साथ अपने मित्रों के मोबाइल में भी सब्सक्राइब जरूर करवाइए, जिससे ऐसा हो कि वो भी जागृत हो सके और समझ सके भारत के रियल इतिहास को। जो भी मित्र अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी मित्रों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भारत।